अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हसन और आज मुझे आप आउटडोर देख रहे हैं, डिफरेंट वेन्यू के ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त एज यू कैन सी एट माय बैकग्राउंड, यहां पे हम इमर्जिंग पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के अंदर एक एक्सपो हो रही है जिसमें पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया के 86 ममालिक में से 900 से ज्यादा डेलीगेट्स रहते हैं जो कि इस एक्सपो को देखने आए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 186 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स यहां पे लगाए गए हैं। ये सबसे बेहतर बात पाकिस्तान की मौजूदा एक्सपोर्ट सिचुएशन को लेकर इस तरीके से है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट की इस वक्त इमीडिएटली बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस सूरत हाल के अंदर जब इस किस्म की एक्सपो का एहतमाम किया गया है तो हम ये यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। कम अज कम इट कैन रियली हेल्प बूस्टिंग आर एक्सपोर्ट्स। सो चूंकि हम इकोनॉमी के प्रोग्राम्स अक्सर करते हैं तो हमने बेहतर समझा कि आज हम ऑन ग्राउंड जाएं, यहां पे देखें, कुछ फॉरेन डेलीगेट से मिलें, कुछ फॉरेनर्स से मिलें, कुछ विजिटर्स से मिलें, कुछ पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स से मिलें और उनसे हम ये पूछे कि टीडैप की ये जो एफर्ट है जो कि टीडैप ने की है उससे वो किस हद तक मुतमिन है, इस एफर्ट को वो किस हद तक सक्सेसफुल समझते हैं और फ्यूचर में ऐसी एफर्ट पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जिनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, वो किस तरीके से अपनी क्वालिटी की बेस पे कम्पीट कर सकती है या फिर एक डिफ्रेंशिएट कर सकती है सारी सूरत हाल के अंदर। तो इसलिए हमने बात करना मुनासिब समझा, तो हम यहां पे हैं और मैं ये करूंगा कि मैं न सिर्फ के मुख्तलिफ एग्जिबिटर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा बल्कि मुख्तलिफ फॉरन डेलीगेट से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, विजिटर से बात करेंगे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस एफर्ट का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, कितने इससे रिजल्ट हासिल हो पाए हैं और इस किस्म की जो एक्सपोज है एफर्ट्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने में। तो हम चलते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ लोगों से इसके हवाले से बात करते हैं, आपको एक्सपो दिखाते भी हैं। लेट्स गो। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया ये जबरदस्त एक्सपो यहां पे इसको अरेंज किया गया है और इसके अंदर इस वक्त तकरीबन 85 से ज्यादा मुल्कों के मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं। स्टॉल्स की तादाद बताई गई है कि 186 या फिर उससे भी ज्यादा स्टॉल्स हैं जो कि एक्सपो सेंटर के अंदर लगाए गए हैं और टाइटल इसका इमर्जिंग पाकिस्तान है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक बेहतरीन तरक्की करने वाले मुल्क के तौर पर इमर्ज कर रहा है लेकिन दुनिया को दिखाना कि ये तरक्की किस तरीके से हो रही है, जारी बात है इस किस्म की एग्जीबिशन और इस किस्म के इवेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें टीडैप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और खास तौर पे वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनके ताबुन से ये कॉन्फ्रेंस ये आज की एक्सपो मुनक्किद हो पाई है उनका भी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। मैं थोड़ा सा मूव करूंगा और आपके साथ साथ बताऊंगा इस वक्त क्योंकि डिफरेंट स्टॉल्स मेरे साथ हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे किस किस्म के स्टॉल्स मौजूद हैं। ये पहला स्टॉल है, यहां पे एंटर होने के बाद ये हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लग रहा है और यहां पे इसके जो एग्जिबिटर है वो भी खड़े हैं, हम इनसे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब, किस चीज का स्टॉल लगाया आपने, कैसा एक्सपीरियंस है? जी, हमारा ये होम टेक्सटाइल का स्टॉल है और हम पाकिस्तान में वाहिद हैं जो होम टेक्सटाइल के ऊपर माशाल्लाह हैंड वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टीडीए को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम कराची में रहते हुए एक्सपोर्टर जो हैं पूरी दुनिया के इम्पोर्टरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनको अपना माशाल्लाह माल दिखा सकें। ऐसा एक्सपीरियंस है अब तक यहाँ पे, कितने लोगों ने विजिट किया और अच्छा जा रहा है ये अच्छा एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह हमें ऐसे ऐसे कस्टमर्स मिले जो पहले हमें कभी नहीं मिले थे, उन्होंने माशाल्लाह हमारे सैंपल्स देखे हैं और हमें माशाल्लाह ऑर्डर देने की यकीन दहानी भी कराई है। हम एक ज्वेलरी के स्टॉल में आए हैं। जी, ये एक ज्वेलरी का स्टॉल है, यहाँ पे इनके भी एग्जिबिटर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनका कैसे एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? माय नेम इज नासिर अली। नासिर, आप यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं अपनी ज्वेलरी प्रोडक्ट, तो क्या डिफरेंट है आपके पास और इस स्टॉल से कोई फायदा हुआ आपको, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ऑफकोर्स, ये बेसिकली हमारी वोरेन सैगल मल्टी ब्रांड स्टोर डील्स इन गोल्ड एज वेल गारमेंट्स। इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है आपको, इसलिए कि आपको पता है लास्ट कोई पास्ट 5 से 6 ईयर्स एक्सपोर्ट घटी है तो पाकिस्तान की जो कि बरामदात में बड़ी कमी हुई है तो इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बता सकते हैं दुनिया को पाकिस्तान एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। एक्सपोर्ट को बूस्ट, जो फॉरनर यहां पे आए हैं क्या रिस्पॉन्स उनका हमारी प्रोडक्ट्स को देखते हैं? आर वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज हमारा जैसे प्रोडक्ट है, मैं आपको मिसाल दूं, हमारा प्रोडक्ट सारा ज्वेलरी का प्रोडक्ट है बट जैसे हैंडक्राफ्ट, तो हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर बड़ा इनका इंटरेस्ट होता है। हमारे बड़े नक्शो निगार कार्विंग वगैरह स्पेशली मुगलाई और हमारा एंटिक्स काम जो है उसके अंदर दे आर वेरी इंटरेस्टेड। बहुत शुक्रिया। आप ये हैंडमेड ज्वेलरी है ये कह रहे थे और ऐसे कई जो कि स्टॉल्स हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं इस कम वक्त के अंदर जितना कवर कर पाऊं और जितना ज्यादा आपको दिखा पाऊं, अगर थोड़ा सा कैमरामैन पैन करें तो ये श्रीलंका का एक स्टॉल हमें नजर आ रहा है इस वक्त। यहां पे कुछ फॉरनर्स भी खड़े हैं। आई ट्राई टू टॉक टू देम। हेलो, कैन वी टॉक?
My name is Imran and I'm from Pakistan Television News. This is State TV of Pakistan. You're exhibiting something here or you here as a visitor? I'm to the exhibition. You are actually exhibiting something? You have a stall here? About the solar panel and the new energy. New energy? Yeah. So what your company does and what sort of energy you produce? We produce the battery. Battery, solar any solar panel and the solar panels. Yes, solar pump system. So Pakistan is one of the big markets which is actually having a huge potential to have solar energy and solar panels. So how's the experience being here? How are you feeling being here in this expo? I think the need is very large, but we want to product to some need. Who suit this area. All right. So thank you so much, Mr. Dai. Thank you so much. It was Mr. Dai from China. और उन्होंने कहा कि उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम बिल्कुल बराहराज चलते जा रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स आपको दिखाते जा रहे हैं हमारी कोशिश ये है ये एक श्रीलंका का एक स्टॉल है यहाँ पे और 186 तकरीबन स्टॉल्स यहाँ पे हैं हमारे साथ कुछ ऑफिशियल्स भी हैं हम उनसे भी बात करेंगे बट मीन वाइल स्टॉल भी हमारे जो कि श्रीलंका का है और उनसे हम बात करते हैं हाय दिस इज इमरान फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन हाउ आर यू हाउ योर गुड नेम आई एम डॉक्टर सबारत Saban, what are you exhibiting here? Yeah, this is a coconut from Sri Lanka. It is mainly coconut and products from coconut. Coconut oil, desiccated coconut, copra, coconut oil for hair, coconut oil for massage, and desiccated coconut, and we have coconut flour, and we have coconut water for drinking. So how is the response of the people who are coming here visiting? Good. We have mainly foreign delegates today. They have come from UAE and some from Malaysia. They are showing interest. So you see, Pakistan can be a good market for the products like you are exhibiting? Yeah, we think so. Because the Pakistani population use for coconut oil. They use it for cooking, mainly for hair oil. So it's very, very popular among So females might be more interested. So what were the questions about the oil, the hair oil? Yeah, many people came, they're very much interested. And we are promoting a product called Veggie Coconut Oil, which is a new product to Pakistan. Pakistan had been taking normal conventional coconut oil for a 20-year. So we are promoting a new coconut oil called Veggie Coconut Oil, which has lots of natural ingredients. So that's very good for hair. So how's the experience of this exhibition being here? Good. This is the first day. So you see that such sort of event should be, should be conducted more? Yeah, sure. Thank you so much. हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं हम आपको दिखाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हम एक और स्टॉल हमें नजर आ रहे हैं जी अकार शाह फर्नीचर आई थिंक दे ऑल बिलोंग टू श्रीलंका ये सारा श्रीलंका पवेलियन है जो हमें नजर आ रहा है और इसी तरह हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं हम ये जरा दिखाइएगा कैमरा मैन साहब ये सारा श्रीलंकन पवेलियन है और यहाँ पे सारे श्रीलंकन प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ एक आई यू फ्रॉम श्रीलंका व्हाट्स योर गुड नेम माय नेम इज जय सूर्य योर नेम इज जय सूर्य नाइस नेम सो जय सूर्य व्हाट आर यू एग्जिबिटिंग हियर We came with the product called polished marble slab. Marble, polished marble. So are you looking for a good market of marble in Pakistan? Yes, because recently both the countries have signed a free trade agreement. So we are going to get that benefit maximum. Pakistan as well as Colombo. So Pakistan has 200 million people in it and it's a big country and one of the friends country to Sri Lanka. We have got a good working relation with Sri Lanka, good political ties, good. We are cricketing nations as well. So you see a good market in Pakistan? Sorry? You see a good market in Pakistan? Hopefully. And because a lot of inquiries also already came, I have contacted through internet some of the customers. So they all say that you are welcome. You think it's a successful event and it's a good experience that you have? Yes, definitely. And also we are looking to import some Onyx, world famous Onyx, from your country to our country. That's amazing. So it will definitely help out the trade between two countries. Thank you so much. Thank you so much, Sunaria. Some more people are here who are visiting the place. What's your good name? My name is Mr. Suleiman. Mr. Suleiman, you're from? I'm from West Africa, Benin Republic. West Africa. So are you here only for this exhibition or you live in Karachi or you visiting Karachi for sort of visit or what? No, I'm come here from Expo Karachi. So you're specifically here for Pakistan Expo? How's the experience? How did you find it? It's my first experience in Pakistan. I think everything is good. The organization is very good.
and the Pakistan people are very nice. So did it help you changing the perception about the about our country? Because most of the times people have a perception that this is the country where there is always, you know, no peace, there is always terrorism, there is no such trade activities. Has it changed your perception about our country, this expo? I think my perception is the thing we are looking in on TV is different for the thing we are doing in business. I'm here now, I'm free, I'm very free. I look at everybody is nice, everybody, we go, we come, we go. What would you like to say to the people who are watching you? Would you give some sort of message to them who are watching you, the people from your country or some other countries? Would you like to give some sort of message to them? Yes, the message is Pakistan is the new market for African people. I know that we come here, we buy rice, we buy oil, we sell cotton from Africa, and now I think we can do more things with Pakistan people, with Pakistan businessmen. Me, I'm from Chamber of Commerce of Benin, and I know that we can make agreement, we can sign one MOU with Pakistan Chamber of Commerce. Okay, thank you so much. हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं. There are Muslim friends, मुख्तलिफ हमारे मुमालिक से, मुख्तलिफ जगहों से हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं. श्रीलंकन पवेलियन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि हर्ब्स वगैरह का बहुत ज्यादा, कोकोनट ऑयल का एक स्टॉल था यहाँ पे. पाकिस्तान इज बेसिकली इमर्जिंग मार्केट है पूरी दुनिया की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए. पाकिस्तान एट टाइम्स इज एन एग्रीकल्चर कंट्री जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसको एग्जिबिट किया जा सकता है. पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है जिसको यकीनी तौर पर हमें दुनिया को दिखाना होगा. और इस वक्त एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर लिसनर्स एंड व्यूवर्स कि आपने हैश टैग इमर्जिंग पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है अपनी सोशल मीडिया ट्वीट्स के ऊपर सो दैट लोग इस चीज को एक्चुअली देख सके कि पाकिस्तान के पास है क्या क्या, पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है. इस वक्त हम एक और स्टॉल पे है एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये किस चीज का स्टॉल है. जी वही मार्बल का स्टॉल है ये. आप मार्बल को एग्जिबिट कर रहे हैं? एग्जैक्टली. क्या डिफरेंट है आपकी मार्बल में जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे दुनिया को? सर हम फखर से ये बात कहते हैं इस फ्लोर पे इस वक्त जब किसी पैक भी है, चाइना भी है, तुर्की भी है और इंटरनेशनल मार्केट में हम खड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का फखर है कि ये मार्बल जो है ये मार्बल भी पाकिस्तान का है और ये आर्टिस्ट भी पाकिस्तान का है. आपको कुछ ऑर्डर्स मिले, क्वेरीज मिली आपको? अल्हम्दुलिल्लाह काफी आउटडोर स्टॉक डीलिंग बहुत अच्छी है. मैं आपको ये भी बताऊं इस वक्त हम जिस वक्त एक्सपो में बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं यहाँ पे, ये इतनी खुली जगह थी नहीं, यहाँ पे रश काफी कम हुआ है तो हमें रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा मौका मिला है. तो इस वजह से ये एक और ज्वेलरी का स्टॉल है, जरा दिखाएं जी, जबरदस्त ज्वेलरी यहाँ पे मौजूद है एंड आई थिंक इट्स अ पाकिस्तानी स्टॉल यहाँ पे और बहुत बड़ी तादाद में कुछ खवातीन भी यहाँ पे है. ये स्टॉल आपने लगाया? आप जरा इस हवाले से कुछ बात करें हमसे. मीन वाइल आप ये जरा ज्वेलरी दिखाई जी, हमारी पाकिस्तानी ज्वेलरी है जो कि यहाँ पे एग्जिबिट की जा रही है. आप कर लें, आप आ जाइए. क्यों ये आइडिया आपके जहन में आया, किस टाइप की ज्वेलरी और आपका क्या रिस्पॉन्स है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? अफगानी ज्वेलरी बनाती है सर, अफगानी ज्वेलरी के अंदर है. अफगानी ज्वेलरी जी. मैं तकरीबन ये नुमाइश 8-9 साल से कर रहा हूँ. अच्छा जी, कैसा एक्सपीरियंस है? सही अल्लाह का शुक्र. पिछली दफा से इस दफा कुछ डिफरेंस है? लोगों की पार्टिसिपेशन पहले से बेहतर है क्योंकि हालात कुछ बेहतर है पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ फर्क है? आज देखिए पहला दिन है इसके बारे में, कल इसका रिजल्ट निकल गया है क्योंकि आज विजिटर आए कम आए, अब कल इसका रिजल्ट निकल जाएगा एग्जीबिशन का कि क्या कहना है, लेकिन फिर भी हालात के लिहाज से तो बेहतर होगा. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. हम आगे बढ़ते जाते हैं और इस वक्त पाकिस्तान जेम्स एंड मिनरल, हमें इस वक्त जेम्स और मिनरल का जो पवेलियन है उससे हम आ चुके हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में और हमें लग भी रहा है कि ये लोग हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से. ये बताइए कि ये किस किस्म के जेम्स हैं और इस नुमाइश में अब तक जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे कैसे देख रहे हैं वो इसको? ये अच्छा जा रहा है आपका स्टॉल? कैसे आप ये अच्छा जा रहा है? हमारा स्टॉल नहीं, सारा शौचालय जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं, लोग अच्छा ताउन कर रहे हैं हमारे साथ. तो हमने जो है जो जेम्स का जो काम करते हैं गिलगित बल्तिस्तान, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान का दिल है हमारा एक्वा नीचे ही दल देखो किसी मुल्क. और कीमत के लिहाज से हमारा पत्थर महंगा है या कीमत के लिहाज से अच्छा बिकता है हमारा पत्थर? ठीक है ठीक है. ओके जी, ये बहुत सारे पत्थर हैं, दिखाने हम सारे. ठीक है, सुपास है, सुपास जी, ये दिखाइएगा जी. ये इसमें क्या भी सारे सारा नीचे जो है उर्दू में तो मैंने कहा बुकरा जो है. अच्छा। बुकरा जो कहते हैं जिसे कहते हैं, ये इंग्लिश में कपास कहा जाता है. ये इसके अंदर दो खूबियां हैं, बीमारियों से लेकर बीमारियों को दूर कर लेती है
ऐसा वैसा इंसान हर वक्त सब रहता है, खुशामत में रहता है। ठीक है और ऐसे बहुत सारे पत्थर यकीनी तौर पर आपको बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आपका ये बहुत अच्छा तजुर्बा जाए। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बड़ी तादाद है यहाँ पे जेम्स की, और ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया की जब हम बात करें, जीवी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने कहा कि दुनिया का बेहतरीन पत्थर वहां से निकलता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास चूंकि जदीद टेक्निक्स नहीं है, उन टेक्निक्स की कमी की वजह से समटाइम्स हम जो पत्थर जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो बहुत सारे जेम्स उसमें से जाये हो जाते हैं, जो दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। जदीद टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ताकि वो पत्थर जाये ना हो, चूंकि ओब्वियसली बहुत कीमती असासा होता है वो, और उस सूरत में हमारा नुकसान होता है। खैर, आप देखें हमारे दीगर साथी भी मौजूद है, दिखाते जाइए जी साथ साथ हमारे जो साथी हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ऐसा करते हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिंक करते हैं आपको किसी और पवेलियन में। लेट्स गो। Ladies and gentlemen, right now I have Miss Amanda Felani with me. She's from Indonesia and she's a visitor here on this expo. So I would like to know her experience, that how is she feeling being here? Mr. Amanda, thank you so much for being here. First of all, let us know, how are you feeling being here, and how's the experience of this expo? It's surprising. I mean, like for first timer being in Karachi, Pakistan, and yeah, I didn't know before that a lot of you know, like sellers, the textiles is very, very good quality, and there's a lot of products that Pakistan has. What did you like most about Pakistani products? What was your favorite? What do you like most? Textile, of course. Textile. Yeah, I mean, like, it's, the quality is very different with other countries. That's why, I mean, like, Indonesia also has a big import from Pakistan to Indonesia. A lot of products of textile. So what would be your message to the people of Indonesia? Indonesia is our brother country. So what would be your message when you'll be back after visiting this? How you see? Between Indonesia and Pakistan is a very has a long term relationship in trade. And also, I mean, like, well, most people in Indonesia love fashion. I mean, like, most Indonesian people, can buy a lot of material, product from Pakistan if they come here. So your message would be positive, definitely. Yes, of course. All right, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We were having our Indonesian friend, और उनका कहना था कि जब वो यहाँ से जाएंगी तो वो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज लेके जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शी डिडंट नो कि पाकिस्तान इतनी जबरदस्त मार्केट है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। We have another Indonesian friend. He is also here. I think you are also the first thing, sir. Yeah, I am the head of the Indonesian delegation. You are heading the delegation. That's great. What is your name? My name is Moti Hamka. I am the vice chairman of the committee for Middle East in the Indonesian Chamber of Commerce. That's really amazing. So I think it's not your first visit. It must be your. It's been the third time I am bringing this delegation. So how's the experience? Very interesting, and every year there's a lot of improvement, lots of development. So, if we talk about this particular expo, that is titled as Emerging Pakistan, how you see the potential in different sections in Pakistan, in departments and in the products? I think Pakistan is developing a very dynamic now, and there's a great potential, especially when you're opening up new economic zones. And it'll be interesting to see a lot of Indonesians coming to see to increase the balance of trade and investments. You're wearing our Desi Achkar, our Desi Chadar Sindhi, and with that our Sindhi Topi. So how are you feeling? Yeah, I'm great. This is an honor for me, given by the Federation of Chamber of Commerce here. So what would be your message to your Indonesian friends after going back from here? It's a very dynamic country where people are warm and friendly, and it's a good place to do trade with. मुफस्सिर अता मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर हैं कराची के। उनसे पूछते हैं कि इस एक्सपीरियंस के हवाले से, तो चैम्बर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने में। पाकिस्तान को इस वक्त शायद सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज करे, और इस किस्म के इवेंट्स उसमें ओब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं मुफस्सिर साहब से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा सकते हैं कि वही मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा जबरदस्त इवेंट है, बड़ा हमें अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है सब कुछ। एक तो ये कि ये एक्सपो बाकी एक्सपो
एक्सपोज यहाँ पे उम्मीद और होती रहती है उससे किस हद तक डिफरेंट है और अब तक के जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं कितना मुतमिन है? थैंक यू वेरी मच. आज तो पहला दिन था तो कम पार्टिसिपेशन है, लेकिन इंशाल्लाह सुबह से इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन होगी फॉरेन डेलीगेशन की भी और लोकल डेलीगेट्स की भी. और अच्छा अरेंजमेंट किया है टीडैप ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिलकर, एंड वी आर हैप्पी विद इट. आज भी हमारी चूंकि फर्स्ट डे था तो कम मीटिंग्स थी डेलीगेशन के साथ ऑर्गेनाइज, बट वॉकिंग डेलीगेट्स बहुत फॉरेन डेलीगेट्स हमें आज मिलने को आए हैं. तो वेरी होपफुल दैट इवेंट्स सच लाइक दीज इवेंट्स ऐसे अगर बार बार होते रहेंगे हमारे मुल्क में और डिफरेंट शहरों में तो हमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कवर करने में काफी हद तक आसान है. इंटरेस्ट कितना देखा आपने पिछले कुछ अरसे की निस्बत पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर, पाकिस्तानी मार्केट को लेकर? फिर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ये आता है बिकॉज आई डू एन इकोनॉमी शो फॉर टीवी, तो उसमें बहुत सारे आप जैसी शख्सियात से जब बात होती है देखते हैं कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पाते, हम कंपेरेटिव मार्केट के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट उतना एक्सेल नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश जो हमारे इमीडिएट कंपेरेटर्स हैं. इससे आपको क्या लगता है कि इस किस्म की एग्जीबिशन कितना सपोर्ट करती है और क्या इसमें भी हम खुद को किसी पोजिशन पर ला सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो बाय ऑल दीज इवेंट्स? इन इवेंट्स से तो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता ये चीज जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ये हो सकता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में किसी हद तक कामयाब हों और वो जो साइज आपकी एक्सपोर्ट का बढ़े वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को किसी तरह एब्जॉर्ब करे. अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो प्रॉपर नहीं हैं और लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, इस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है. इफ यू कंपेयर चाइनीज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एटलीस्ट अभी 3 times हायर देन दैट, और वही चाइनीज यूनिट्स जो अभी लग रहे हैं वो हायर कॉस्ट पे भी लग रहे हैं और बिजली भी जो है वो आइंदा अगले साल जो सरप्लस भी होगी वो हमें महंगी खरीदनी पड़ेगी. तो इट्स नॉट वेरी सिंपल के इस एक्सपो से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, आखिर में मुझे बता दीजिए कि जो फॉरनर्स हमारे पास हैं यहाँ पे उनका क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर? अब आई एम वेरी ग्लैड टू सी देम कि भाई वो बड़े अच्छे नंबर्स में आ रहे हैं, हालात बेहतर हुए हैं हमारे यहाँ, पीपल आर नाउ कमिंग टू पाकिस्तान और इंशाल्लाह इन ईयर्स टू कम ये और टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा, उससे ऑटोमेटिकली ट्रेड बढ़ेगी. इस दफा मैं हमारी कल तकरीबन 25 से 26 फॉरेन डेलीगेशन की मीटिंग है और इसी तरह परसों भी हमारी इसी तरह इम्पोर्टेंट ममालिक कौन थे इम्पोर्टेंट? इसमें इस वक्त तक जो हम मिले हैं हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज काफी आए हैं. You can name some. Yes, like Tunisia, like Egypt, like हमारे पास Chinese delegation भी आया है आज. आज हमारे पास Hong Kong से delegation आया है, हमारे पास Germany से delegation आया है. कल we have about 26 or something international delegation. इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में जैसा कि आपको मालूम है मौजूद है और इस वक्त मैं जिस पवेलियन में मौजूद हूं यहां पे आपको मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर मिलेगा. मेनली पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स की बड़ी तादाद ने यहां पे फर्नीचर को एग्जिबिट किया है और आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, माई कैमरामैन कुड शो यू, ये मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर है जी जिसको यहां पे दिखाया गया है और ये आप देख सकते हैं इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर है जो कि यहां पे एग्जिबिट किए गए हैं और उनको दिखाया गया है. दिस इज अनदर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का ये स्टॉल है जो आप देख रहे हैं और इसमें भी मुख्तलिफ यहां पे इनके लोगोस मौजूद है जिससे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक दिलचस्पी हमें नजर आती है और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया भर को पंजाब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो आईटी के सेक्शन के अंदर क्या डेवलपमेंट्स लेके आ रही है. पाकिस्तान का पहला आईटी पार्क भी अरफा करीम पार्क जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया वो भी पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर मौजूद है और हुकूमत पंजाब इस हवाले से बड़ा काम कर रही है और इसका ये स्टॉल यहां पे जिसमें खिदमत मरकज, ई रोजगार और दीगर बहुत सारे लोगोस आप देख रहे हैं, हज मॉनिटरिंग सिस्टम और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पंजाब फ्री इंटरनेट जिसमें पंजाब हुकूमत फ्री इंटरनेट दे रही है, तो ये सारी वो चीजें हैं जहां पे मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं.
ये इस वक्त जिस हिस्से में मौजूद है यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में कार्पेट्स मौजूद हैं और आपसे कुछ देर बाद ऑपरेशन जहाँ पे शुरू भी होंगे ओबीसी डेलीगेट्स यहाँ पे विजिट भी करेंगे। कुछ डेलीगेट्स से हमने आपकी बात भी करवाई जिन्होंने इससे पहले विजिट किया है, आप देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको मजीद दिखाएं, ये पूरी जो रो है इसके अंदर कार्पेट्स मौजूद है, हैंडीक्राफ्ट मौजूद है जो कि यहाँ पे है, जिनको एग्जिबिट किया जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी तादाद अगर आप आना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आपको बहुत वरायटी ऑफ कार्पेट्स यहाँ पे मिलेगी जो कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप की कार्पेट्स हैं, इसमें कुछ हमें यकीनी तौर पे जो ईरानी और अफगानी कार्पेट्स हैं वो भी हमें नजर आ रही हैं। सो ये वो सारी इस वक्त स्टॉल्स हैं, जगह हैं जहाँ पे मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद जगहों का भी। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त तैमूर जुनैद साहब मौजूद हैं, जुनैद जमशेद साहब के साहबजादे हैं, वो भी यहाँ पे एज अ विजिटर हमें मिले तो हमने जरूरी समझा कि हम उनसे बात करें कि उन्होंने इस एक्सपो को कैसा पाया और हाउ डज ही सी पाकिस्तान फ्यूचर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तैमूर थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स आवर फर्स्ट मीटिंग। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके और इस एक्सपो को कैसा पाया आपने? इमरान आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, मैं विजिटर नहीं, मेरा यहाँ स्टॉल लगा, स्टॉल भी लगा है और क्या कहते हैं ये एक अब्बा की विजन थी। 2015 में हमने इस कंपनी का आगाज किया, जजा फूड्स नाम है हमारी कंपनी का और उनकी विजन ये थी कि हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट की इमेज चेंज करनी है। तो बेसिकली ये हमें मौका मिला पाकिस्तान के अंदर और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली लोकल ब्रांड्स के लिए और बाकी सारे जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स उनके लिए बहुत अच्छा है कि डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, उनको मौका भी मिल रहा है। ये हमारी मेरी अपनी जगह की ये हमारी फोर्थ एग्जीबिशन इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोगों ने गल्फ फूड में पार्टिसिपेट किया, हमने हलाल फूड में करा अनुगा और अब ये पाकिस्तान एक्सपो। आप दुनिया से बाहर भी जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर, पाकिस्तान में भी आपने ये देखी एग्जीबिशन, आपने कहा इट्स योर फोर्थ, तो डिफरेंस क्या है पहली बात? दूसरी बात ये कि जैसे कि आपके अपनी प्रोडक्ट भी है जजा और बाकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको लगता है कि हमारी मार्केट हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जिसे वो मार्केट के अंदर बेहतर तौर पर इमर्ज कर सकती है? बिल्कुल, इसमें क्यों नहीं, सारे चीजों में हम लोग सबसे आगे हैं, बेहतरीन। हमारे पास मैंगोज इतने अच्छे हैं, हमारे पास राइस इतना अच्छा है, कॉटन तो हमारा है ही है, लेकिन राइस आप देख सकते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है लोग हमसे राइस देते हैं, उनको रीपैकेज करके अपना नाम लगा के उसको आगे बेचते हैं, तो ये हम क्यों नहीं इस बात को करते, हम इसका क्यों नहीं फायदा उठाते? तो बेसिकली अब्बा की यही विजन थी कि हमने स्टार्ट किया था राइस के साथ और इसका बेसिकली हमने पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्ट की इमेज चेंज करनी है। तो मैं और फॉरनर्स यहाँ पे उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एफर्ट है यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से कि इन सबको डेलीगेट्स को बुलाया यहाँ पे, हमें भी मौका दिया इंस्टेड कि हम जाएं दूसरे ममालिक में जाएं, वो लोग हमारे पास आए, हमें खिदमत का मौका दिया है। और जो पाकिस्तानी आप ऑन स्क्रीन इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, आप इनसे क्या कहेंगे इस एक्सपो को लेकर, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर? जी मेरा उन सबसे यही मैसेज है कि जरूर इस पे इसको जरूर अटेंड करें क्योंकि हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को इस चीज को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, तो जितना ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए उतना अच्छा है। तो जो भी देख रहे सुन रहे उन सबसे गुजारिश है कि जरूर इसको अटेंड करें और जितना ज्यादा इसको इसको पुश कर सकते सपोर्ट कर सकते प्लीज करें। तैमूर जी ने जिनसे बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की और यकीनी तौर पर स्पेशली पॉजिटिव कि आप जैसे लोग जो यंगस्टर्स हैं वो एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे सामने आ रहे हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर उस पर बात करें और काम करें। थैंक यू सो मच। हमने फॉरेनर्स से बात की, आप सुन रहे थे कि उनके क्या ख्याल आते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लेकर, उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में वो लोग लेकर आए हैं। उनका मकसद ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या पोटेंशियल है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस तरह से कम्पेटिटिव मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है, दुनिया को इंटरेस्ट लेना चाहिए उसमें। तो लोकल जो एग्जीबिटर्स हैं उनसे हमारी क्या बात हुई ये आपको दिखाते हैं, आगे मूव करते हैं। जो होती है ये पाकिस्तान के लिए एक गेटवे होता है जिसमें बाहर से कस्टमर आते हैं, हमें विजिट करते हैं, हमें नेगोशिएट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, हमारे मुल्क को देखते हैं, हमारे कल्चर को देखते हैं, उनसे इम्प्रेस होकर वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और अच्छा मौका होता है कि इसमें हम उनसे वन टू वन मीटिंग भी कर लेते हैं और बिजनेस की डील भी कर लेते हैं। मेन मार्केट जो है हमारी वो मिडल ईस्ट में है, दुबई और सऊदी अरब गल्फ कंट्री पूरी है, फारिस्ट में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और इसके अलावा हम रशिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं
इसमें कोशिश ये जा रही है कि श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज को भी हम ऐड कर लें फूड, स्पेशली फूड में। अभी हम आलू प्याज में तो काम कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन अभी मजीद मार्केटों की गुंजाइश मौजूद है। चाइना इज कमिंग मार्केट फॉर पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना के मार्केट को सर्व कर सकता है। मैच करने के लिए हमें ब्रांडिंग की तरफ से बजट देनी होगी और मार्केटिंग करनी, अपनी फेसबिलिटी और उसका बेहतर करना, स्टैंडर्ड अप करने, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटीन की और क्वालिटी की उसको पूरा करना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बगैर अब एक्सपोर्ट करना मुमकिन नहीं रहा। मैं समझता हूँ इस तरह से जितनी एग्जीबिशन है वो मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अचीवमेंट है। आपने जैसे कहा था कौन से नए कंट्रीज या कौन से नए मार्केट हम अचीव करने के जा रहे हैं, तो ऑलरेडी हम काफ़ी हमारा राइट है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता है। इस वक्त जो हमें 3-4 कंट्रीज और हैं जहां हम पाइपलाइन लगे हुए हैं, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, ईरान है, 2-4 और भी कंट्रीज हैं। मुझे पूरी उम्मीद है तो इस दफा जो लास्ट 3 मंथ गुजरे हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले में 33% राइस की एक्सपोर्ट बढ़ी। अगर ये पॉजिटिव नोट्स पर जो है शुरू किया है तो नतायज बेहतर होंगे और वी आर टू लेट बट नेवर। अब भी अगर हम कोशिश करें तो हम अपना गोल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपने सिम का तायुन करना पड़ेगा। और ये एक अच्छा है, अच्छा नोट अच्छा है जो एक काम किया है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की जो बाहर होती है उसमें खातरख्वाह इम्प्रूवमेंट हुई है। तड़ाप ने अच्छा काम किया है, स्टॉल्स अपने अच्छे कर लिए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे कर लिए है, जो कि एक मुस्बत कदम है। और यही यहाँ पर भी लोगों को बुला के और इसी किस्म के एक्सपोज, इसी किस्म की नुमाइशें ये यहाँ करनी चाहिए और ये उसका एक साबित कदम है। एंड वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है डॉन का, तो हम यहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड ओवरसीज आल्सो इक्वली वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान व्हेन वेयर एवर इट इज पॉसिबल। देखिए एक्सपो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मेला है, सबसे बड़ी नुमाइश है और इस बार एक्सपो को बड़ा डाइवर्सिफाइड किया है। एक्सपो के सिर्फ स्टॉल और शोकेशिंग और प्रोडक्ट नहीं है बल्कि अफ्रीका ट्रेड फोरम का इनेकाद किया गया जिसमें अफ्रीकन ममालिक के तमाम एम्बेसडर इस्लामाबाद से आए हैं और उसमें हमारा मैसेज है कि लुक टुवर्ड अफ्रीका, यानी यूरोप अमेरिका के साथ साथ अफ्रीकन मार्केट हमारे लिए वर्जिन है, बहुत बड़ी और बहुत पोटेंशियल है, उस पर भी फोकस करना है और उस पर कल मकाले पढ़े जाएंगे। मुझे भी खास तौर से एज ए स्पीकर वहाँ इन्वाइट किया है। देखिए ये 10वां एडिशन है हमारे एक्सपो का और इस दफा आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले जो एक्सपो होते थे उसमें 400-500 लोग आते थे, इस दफा 750 के करीब लोग पार्टिसिपेट इस वक्त कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव कर रहे हैं जिसको हम इमर्जिंग पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान की एक इमेज को बेहतर करने के लिए, जिस तरह हम कारोबार में जरूरत होती है प्रोडक्ट की इमेज की अच्छे होने की, उसी तरह एक मुल्क की अभी अगर अच्छा इमेज हो तो ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना आसान हो। एग्जीबिशन अच्छा है, हम जनूबी अफ्रीका से आए हैं, हम एट द इन्विटेशन ऑफ योर गवर्नमेंट हाईली इम्प्रेस, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत लोग मेहनत किया है, ऑफ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है एंड आई थिंक दैट इट विल डेफिनेटली from they've invited delegations from all over the world, it will definitely increase your export and good for Pakistan. And there's different products that come in now, the motor cars and so much thing you can, of course it's good what is there. Acha hua ki aap log ne bulaya, dekho duniya mein, and your quality is excellent, aapki quality bahut. बहुत अरसे से पाकिस्तान को इस तरह की एग्जीबिशन की ज़रूरत थी कि लोगों को दुनिया भर के जो खरीदार हैं पाकिस्तानी मसनूआत को, उनको एक जगह पर जमा किया जाए और पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश की जाए। इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी इस तरह की एग्जीबिशन की और टीडीएफ के हम शुक्रगुजार हैं
जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया इस तरह की एग्जीबिशन के जरिए बाहर के खरीदार को पाकिस्तान की मार्केट में लाने के लिए। और मैंने आज यहाँ पे जो विजिट किया और मैं अपने स्टॉल पे भी था, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई इस बात से कि बाहर से बहुत ज्यादा फॉरनर्स आए हैं जो पाकिस्तानी मसनूआत को पसंद कर रहे हैं और वो आना चाहते थे। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो जो बैनुल अक्वामी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की पजीराई है और वो खुद भी चाहते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके इन मसनूआत की खरीदारी करें, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि टीडीएप के जरिए मुहैया किया गया। अब कस्टमर तो यहाँ मौजूद है और जो हमारी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि हमें बाहर के कस्टमर्स आ रहे हैं और बाहर के कस्टमर्स हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनकी कंपटीशन चाइना से होती है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी मसनूआत की कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना को भी बीट कर चुकी हैं, जिनके प्राइस चाइना से भी अच्छे हैं। I'm from South Africa, in Johannesburg, South Africa, and I'm actually enjoying myself. The hospitality is also great. The people are great, and there's a lot to offer that the country has to offer. There's a lot of talent in Pakistan that we've been amazed with. So it's a pleasure being here, and really thank the Pakistani government and the people themselves. जब हम पाकिस्तान का made in Pakistan का football उधर देखते हैं, Adidas लिखा हुआ, तो दिल को एक खुशी होती है, एक खून जो है ना वो गर्मा आ जाता है कि ये हमारे पाकिस्तान की चीज़ बड़ी है हजारों चीज़ों में, सही है ना। तो खैर मैंने भी एक डनहिल के तो से मेड इन पाकिस्तान का फुटबॉल उधर एक इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये है कि वो जापानी टीम जो है वो अभी फुटबॉल टीम जो है वो रिसेंटली यूज कर रही है, ठीक है ना। तो ये है कि ऐसी चीजें कई चीज़ें हम ले जाके उधर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के पास साथ पहाड़ हैं, बड़े पहाड़ हैं, हर चीज़ है और सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सही है ना। इवन कि ये चीज़ें जापान के पास नहीं है, वो 80% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हमें ये चीज़ें उनको इंट्रोडक्शन करवानी चाहिए। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको आज पूरी एक्सपो की सैर कराई, इस वक्त मैं इस एक्सपो का एक जबरदस्त विजिट करके बाहर आ चुका हूँ। मुख्तलिफ लोगों से हमने आपको मिलवाया, मुख्तलिफ स्टॉल्स हमने आपको दिखाए और हमने कोशिश की कि यहाँ पे आपको दिखाया जाए कि लोग एग्जिबिटर्स किस तरीके से अपनी चीज़ों को एग्जिबिट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अंदर अपना जबरदस्त किस्म का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे फॉरेन विजिटर्स हैं, जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो हमारे डेलीगेट्स हैं, वो कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम दिखाना चाह रहे थे। इट्स रियली व्हाट शुड आई से वैल्यूएबल इवेंट, जहां पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से बाहर जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मेरा बड़ा खास मैसेज है कि अपने मुल्क को, अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को न सिर्फ इस्तेमाल करें बल्कि दुनिया भर के अंदर प्रमोट करें। सोशल मीडिया के ऊपर अपने मुल्क प्रोडक्ट्स को हैशटैग इमर्जिंग पाकिस्तान के साथ प्रमोट करें ताकि लोगों को नजर आए कि आपके मुल्क के अंदर कितना पोटेंशियल है और आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जो ट्रेड एक्टिविटी है वो सीपैक के आने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होने के बाद, डेमोक्रेसी के तसलसल के बाद कितनी बेहतर हो रही है। आपने और मैंने अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर इस किरदार को बेहतर बनाना है। आपसे मुलाकात होती रहेगी, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट फॉर मोर अपडेट, माई ट्विटर हैंडल इज इमरान एच वर्ल्ड। आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी और नए गेस्ट लाइन के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।